किसी ने क्या खूब कहा है कि जंगल में जो सीधे पेड़ होते हैं वह सबसे पहले काटे जाते हैं और जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं वह सदियों तक जंगल में ही खड़े रहते हैं। एक बार एक बच्चा अपने पिताजी के साथ जंगल में घूमने के लिए जाता है और वह दूर से देखता है कि एक शेर हिरण का शिकार कर रहा होता है। उस बच्चे के मन में यह दृश्य देखकर कौड़ा का भाव उत्पन्न हो जाता है। वह अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, हिरण तो बहुत ही कमजोर है और वह शेर उसको खा रहा है, हमें उस हिरण को बचाना चाहिए। यह सुनकर पिता कहते हैं, लेकिन वह शेर भी तो भूखा है, अगर तुम हिरण को बचाओगे तो तुम शेर के लिए बुरे बन जाओगे, तो इस परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो। अब यह बात हम सबके लिए सोचने की है कि जब हम एक जगह किसी का फायदा कर रहे होते हैं तो दूसरी जगह किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह अच्छाई और बुराई के भी दो पहलू होते हैं। तो आज की जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूँ उसमें आपको कर्मों का पूरा ज्ञान मिलेगा कि असल में कर्म क्या है और कर्म अच्छे कर्म क्या होते हैं। इससे पहले कि आप लोग इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गुरुकुल में शिक्षाएं हुआ करती थी, मतलब गुरुकुल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, वहीं पर रहते थे, वहीं पर प्रकृति का आनंद लेते थे और वहीं पर अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे ही बेलगांव का मोहन नाम का एक युवक गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन में ही गुरुकुल में भेज देते हैं। गुरुकुल में जाने के बाद बहुत सालों तक वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत अच्छे अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है। उसे वहाँ पर जीवन के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। उनमें से एक सिद्धांत यह भी सिखाया जाता है कि हमेशा लोगों का काम करो, हमेशा सबकी मदद करो। यह ज्ञान मोहन के दिमाग में बहुत गहरे से बैठ गया था। इसीलिए जब वह वापस गुरुकुल से अपनी शिक्षा ग्रहण करके आया तो वह अपने गाँव में सबकी मदद करता था, हर किसी का काम करता था। कोई भी युवक उससे कोई भी काम करवाने के लिए कहता तो वह मना नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दिन उसने अपने कानों से छुपकर सुना कि गांव के कुछ युवक उसका मजाक बना रहे थे। वह सब कह रहे थे कि वह तो फायदा उठाने के लिए है, उसके तो केवल मजे लो, उसका लाभ उठाओ जितना हो सके। किसी के काम को मना नहीं करता है, वह दूसरों का काम करने के लिए अपना काम भी छोड़ देता है। बताओ कितना वह मूर्ख है। निष्पक्ष भाव से सबकी वह मदद करता था, सच्चे दिल से वह सबकी मदद करता था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला। ऐसी बातें सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी का मदद नहीं करेगा। और अब मोहन गांव का ऐसा युवक बन गया था जो किसी का भी मदद नहीं करता था, चाहे कोई कितना भी परेशानी में क्यों ना हो, मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन का यह बदलाव देखकर सब गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए थे। कल तक जो दया का सागर था, इतना दयालुता था, कुछ ही समय में इतना निर्दयी कैसे बन गया। यह देखकर मोहन के माता पिता को भी उसकी बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है, तुम इतना बदल क्यों गए हो। तो मोहन ने कहा, इस जमाने में किसी की भलाई करके कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, यह बात में मैं महसूस कर चुका हूँ। मैंने जीवन में जितनी भी गुरुकुल से शिक्षाएं प्राप्त की वह सारी शिक्षाएं बेकार हैं, व्यर्थ हैं, क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से किसी का मदद कर रहा है तो उसको सामने वाले इंसान बेवकूफ समझते हैं। और यह कहते कहते मोहन रोने लगा और इसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता पहले वाले मोहन चाहते थे, वही मोहन चाहते थे जो सब लोगों की मदद करा करता था, लेकिन उनका बेटा कहीं दूर निकल चुका था। दिन में दिन हालत खराब और गंभीर होती गई। एक दिन उनके माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है और मानव स्वभाव के बारे में उसे बहुत सारी बातें पता है। इसलिए मोहन के माता पिता मोहन को लेकर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। जब उस गांव में घुसते हैं तो एक औरत एक बौद्ध भिक्षु को बहुत जला कटा सुना रही थी। उसको कह रही थी कि इनको शर्म नहीं आती, भीख मांगने के लिए आ जाते हैं सुबह सुबह, अपना काम करना चाहिए तो हम लोगों को भी परेशान करने के लिए आ जाते हैं और दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं, और पता नहीं ऐसी क्या क्या बातें वह कह रही थी। लेकिन बौद्ध भिक्षु रोज का भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, उन्हें तो सब कुछ आना पड़ता है। इसलिए बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़ा रहा वहाँ पर, उसके अंदर थोड़ा सा भी क्रोध का भावना नहीं आया। और जब उस भिक्षु को उस घर से भिक्षा नहीं मिली तो वह दूसरे घरों की तरफ निकल गया। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था। इसके बाद उसके माता पिता कुछ गाँव के लोगों से पूछकर उस भिक्षु के ठिकाने पर पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचकर वह देखते हैं कि यह वही है जो गाँव में भिक्षा मांगकर वापस लौटकर आया हुआ था और जिसे वह औरत जल्ली कटी सुना रही थी। उस बौद्ध भिक्षु को देखने के बाद मोहन और उसके माता पिता ने उसको प्रणाम किया और वह वहीं पर बैठ गए। उसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थिति उसे बयां कर दी। उन्होंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए बताया कि यह मेरा बेटा पहले बहुत ही दयालु हुआ करता था, सबकी मदद किया करता था, लेकिन अचानक
पता नहीं इसे क्या हो गया है कि अब किसी का मदद नहीं करता है। कोई उसके सामने मर भी रहा होता है तो तब भी यह बिल्कुल उसे पानी तक नहीं पिलाता है, ऐसा स्वभाव हो गया है इसका। हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि यह बदलाव अचानक कैसे हो गया। इससे पहले वह भिक्षु कुछ जवाब देता, वह औरत जो गांव में जली कुटी उसको सुना रही थी, वह अपने बेटे को लेकर वहीं पर पहुंच गई और हाथ जोड़कर उसे कहने लगी कि मेरा बेटा बहुत ही बीमार है, अचानक से इसको बुखार आ गया है और गांव के लोगों ने बताया कि आप इसकी मदद कर सकते हैं, कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कीजिए। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु तुरंत उस बच्चे का उपचार करने में लग जाता है और कुछ ही देर के बाद औषधियां देने के बाद वह लड़का ठीक हो जाता है। यह सब देखकर वह औरत उसे कुछ भिक्षा देकर प्रणाम करती है और वापस अपने घर को लौट जाती है। यह सारा दृश्य मोहन भी देख रहा था, उसके मन में एक सवाल उठ रहा था और जब उसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया तो उसने उस भिक्षु से पूछा, शायद आपने पहचाना नहीं, यह वही औरत थी जो आपको जली कुटी सुना रही थी, जिस गांव में आपको भिक्षा देने से मना कर रही थी, शायद आप उसे पहचान लेते तो आप उसकी कभी भी मदद नहीं करते। यह सुनकर वह बहुत भिक्षु मुस्कुराने लगे और उससे कहते हैं, दूसरों की अच्छाई करने से कुछ अवस्थाओं में दुख मिलता है, लेकिन अगर तुम कर्मों का सिद्धांत समझ लेते हो तो अच्छाई और बुराई इसके बारे में तुम्हारे अंदर कोई भी भेद नहीं होगा और तुम इसको अच्छी तरीके से स्पष्ट तरीके से समझ जाओगे। मैं भली भांति जानता हूँ कि यह वही औरत थी, लेकिन मैंने बिना कोई द्वेष का भाव रखे हुए वही किया जो मेरे कर्तव्य में था। जब आप किसी की भलाई या किसी की अच्छाई बिना किसी लालच के करते हो तो वही अच्छाई आगे चलकर हमारे लिए फायदेमंद साबित होती है, लेकिन अक्सर लोग जब भी किसी का मदद करते हैं तो उनके मन में यही भाव होता है कि बदले में वो भी इंसान उनकी मदद करेगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर जब उनकी सहायता करनी पड़ती है तो उनको केवल दुख ही मिलता है, वह सहायता नहीं करते हैं। इसलिए किसी भी इंसान के साथ बिना कुछ पाने के भाव से उसका भला करो और उतना ही भला करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य मतलब तुम्हारी आर्थिक और शारीरिक क्षमता के हिसाब से हो, ताकि कल को अगर वह इंसान तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसको किसी भी प्रकार का दुख ना हो, उसका पश्चाताप ना हो कि मैंने तो उसके लिए इतना सब कुछ कर दिया और यह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए किसी का तुम उतना ही भला करो जो आगे चलकर तुम्हें किसी भी प्रकार का आहत ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच में तुम कभी भी मत पड़ना। अगर कोई पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं तुम उनसे जाकर बोलोगे, तुम भाई क्यों उसको पीट रहे हो अपनी औरत को, तो वह तुम्हें यह भी बोल सकते हैं कि उनका यह आपस का मामला है, तुम करने के लिए यहाँ पर क्या आए हो। ऐसे में आपके पास कोई भी जवाब नहीं होगा, इसलिए दूसरे के फटे में कभी भी अपनी टांग मत अड़ाना। अगर ऐसी परिस्थिति कभी पैदा हो जाए, कोई तुमसे मदद मांगे तो दरबारियों को तक खबर पहुंचा दो, अदालत उसका फैसला करेगी। तीसरी बात, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, अपनी आंखें खोलकर देखो कि किसी वास्तविक रूप से मदद की जरूरत है और कौन ढोंग कर रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दया के पात्र होने का दिखावा करते हैं, आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मदद ले लेते हैं। जैसे कि आज के युग में हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर, कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं। अब उसमें दो स्थितियां पैदा होती हैं, अगर आप उनको भीख दे देते हो तो आप भीख मांगने को बढ़ावा दे रहे हो, और अगर भीख नहीं देते हो तो वह बच्चा शायद आज का खाना नहीं खा पाएगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको उसको पैसे देने की बजाय खाना खिला सकते हैं या कुछ किताबें दिला सकते हैं। इसके लिए सही तरीके से मदद करने के लिए विवेक का होना बहुत जरूरी है, वरना तो आपके धन का दुरुपयोग ही होगा। और एक बात जो समझने की है कि किसी की भलाई करनी है तो खुद की भलाई करो, क्योंकि अगर तुम खुद के जीवन को बनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और जमाना अपने आप बदल जाएगा। इसलिए कहीं आपने अपने मन में यह भ्रम तो नहीं बना रखा है कि मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और मैं दूसरों की मदद करता हूँ, तो वह तुम्हारा अहंकार का रूप होगा। इंसान कभी भी आखिर तक पूर्ण नहीं होता, और जो अपने आप को पूर्ण समझ रहा है वह धोखे में है। इसलिए दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने पर ध्यान दो, और इसके लिए आपको भीड़ में भी अकेला रहना सीखना होगा। आप सबके साथ हैं, सब में उपस्थित हैं, लेकिन अंदर से आप एकांत हैं, अंदर से आप शांत हैं, अंदर से आप मौन हैं। जब आप अपने एकांत को देख लेते हैं तो आपके अंदर यात्रा चालू हो जाती है। अपने अंदर के एकांत को आनंद उठाने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान को एक हिस्सा बनाना होगा, ध्यान को वक्त देना होगा। उसके बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर एकांत के सामने आनंद है, इस दुनिया के किसी भी भोग में नहीं है।
किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी भी वासना में नहीं है। नदी के किनारे पड़ा हुआ पत्थर भी उस नदी के भाव से कट करके बहुत ही मुलायम हो जाता है, उसमें कोई दरार कोई कोना नहीं बचता है। उसी तरह ध्यान के निरंतर भाव से हमारा जो मन है वह निर्मल हो जाता है, जिसके बाद हम किसी भी चीज को महसूस कर सकते हैं, जिसके बाद हम वर्तमान का मतलब समझ पाते हैं, जिसके बाद हमारे अंदर करुणा का उदय होता है। वह करुणा जो किसी भी वस्तु विषय के लिए नहीं जुड़ी होती। हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए।